नमस्कार दोस्तों, छोटू मम्मी किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू के बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्थी परांठे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमने 7 से 8 आलू। ये हमने पहले से उबाइल करके छील के रख लिया है। और ये है हमारा गेहूं का आटा। अब मैं इनको शुरू करती हूँ। अब अपने उबले हुए आलू को मैं ले लेती हूँ और इनको किया कस से क्रश कर लेती हूँ, ताकि इनमें गांठें नहीं रहेंगी, अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और टेस्टी भी होते हैं। ये हैं हमारे आलू के परांठे। इनको आप सभी को ऐसे कर लेना। आप हाथ से भी इनको क्रिश कर सकते हो, लेकिन उनमें गांठें पड़ जाती हैं तो ये अच्छे नहीं बनते। ये देखना, हमने पूरे आलू अपने क्रिश कर लिए हैं और अब इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं। पूरे आटे में अच्छे से करना है आपको। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये कस्तूरी मेथी। आप इसको क्रश करके डालना, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी अजवाइन, इसको भी ऐसे क्रश कर लेना। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही स्वाद बनते हैं ये। और थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। एक चम्मच काला नमक, इससे तो इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इनको मैं भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और एक अच्छा सा डो बना के तैयार करते हैं हम। ज़्यादा सख्त और ज़्यादा ढीला नहीं बनाना, जैसे हम हमेशा परांठे बनाते हैं वही वाला बनाना है। हल्के आँच से थोड़ा सा पानी लगेगा, इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं लगता। देखना, अब हमने हमारा आटा तैयार कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से गूंध के तैयार हो गया, ये देखो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने परांठे। हम अपने परांठे बनाने शुरू करते हैं। ये हमने बना ली लोई। इसके थोड़ा सूखा आटा लगाओ और इसको गोल गोल बेल लेना, बेलन की मदद से ऐसे। रोटी की तरह गोल बनाना इसको। और अब इसमें हमने लगाना है देसी घी ऐसे, और हाथ से पूरा ऐसे फेंक लेना है और इसको ऐसे करना फोल्ड ऐसे। थोड़ा घी और लगा लेती हूँ मैं। आप चाहे तो इसको गोल भी बना सकते हो, लेकिन आज मैं इसको चौरस बनाऊंगी। ऐसे अब इसको आप थोड़ा सूखा आटा लगा लो और बेलन की मदद से फिर इसको बेल लो दोबारा। पतला बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, पतला बहुत ही अच्छा लगता है ये स्वादिष्ट। ये हमारा परांठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम सेक लेते हैं। मैंने तवा रख रखा है, पहले से ही गर्म हो रखा है मेरा तवा। और इसको मीडियम आंच पर ही सेकना है आपने। तब तक मैं दूसरा परांठा तैयार कर लेती हूँ। हाई फ्लेम नहीं करना, क्योंकि मीडियम आंच पे ये बहुत ही अच्छा करारा बनता है। तब तक मैं दूसरा परांठा तैयार करती हूँ अपना बेलकर।
अच्छा बड़ा ही बनाना है, पतला पतला। अब फिर इसका घी लगा लेते हैं। अब इसको भी पलटी कर देती हूँ, एक तरफ से सीख गया ये। ऐसे इसके अच्छे से घी लगाना पूरे पराठे के ऊपर से, ऐसे फोल्ड कर लो। आप चाहे तो इसको गोल बना सकते हो, तीन कोना भी बनता है ये, तिकोना भी बना सकते हो। अब उस पराठे को देखते हैं, इसके इस साइड में घी लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से करारा बनेगा। इस साइड से ये पक्के तैयार हो गया है। इस साइड में भी घी लगाना और देखना हमारा पराठा कैसे फूल रहा है, पूरी की तरह। जैसे हमारी पूरियाँ फूलती ना, वैसे ही फूल जाते हैं ये। गैस को मीडियम रखना, इनफ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। ये देखना कितने अच्छे से हमारे परांठे बनके तैयार हो रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करना, 2-4 मिनट फालतू लगेगी तो ये अच्छे करारे बनेंगे और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये। अल्टी पल्टी करते हुए ऐसे चम्मच की मदद से इसको अच्छे से पका देना है। ये देखो हमारा परांठा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखना अब अपने परांठे कितने अच्छे बने हैं, अलग अलग परतें, और ये देखो कितने अच्छे हैं ये। आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये देखो अब मैं ऐसे सभी परांठों को बना के तैयार कर लेती हूँ। आप इनको दही, रायता और उसके साथ अचार के साथ नाश्ते में खा सकते हो, लंच बॉक्स में ले जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चे तो हमारे बहुत अच्छे से खुश होके खाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।